शादी का दबाव बनाने पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने बार डांसर अपनी प्रेमिका की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी। प्रेमिका की हत्या और हत्या की साजिश रचने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बार डांसर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल की कुछ दिन पहले ही देहरादून में पोस्टिंग हुई थी। गिरफ्त में आए लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुलिस को बताया कि देहरादून से पहले उसकी सिलीगुड़ी में पोस्टिंग थी। सिलीगुड़ी में ही उसकी पहचान नेपाली मूल की महिला डांसर श्रेया से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती परवान चढ़ी और कुछ ही दिनों में वे पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में रहने लगे। हाल ही में देहरादून पोस्टिंग होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेया को भी अपने साथ देहरादून ले आया। इस बात की जानकारी लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी को लग गई। पत्नी ने श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी से छुपकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने श्रेया को फिर से देहरादून बुला लिया। देहरादून में उसने श्रेया के लिए किराए पर फ्लैट भी ले लिया। इसी दौरान श्रेया लेफ्टिनेंट कर्नल पर शादी का दबाव बनाने लगी। शादी को लेकर श्रेया और लेफ्टिनेंट कर्नल में अक्सर झगड़े होने लगे। पुलिस के मुताबिक लड़ाई झगड़े से तंग आकर लेफ्टिनेंट कर्नल ने श्रेया की हत्या की साजिश रच डाली। 9 सितंबर को वह बियर पिलाने के बहाने श्रेया को लेकर राजपुर रोड के एक क्लब में गया और खूब बियर पी। इसके बाद कार में लॉन्ग ड्राइव के बहाने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेया को पूरे देहरादून में घुमाता रहा। देर शाम होने पर वह श्रेया को सुनसान जगह ले गया और वहां हथौड़े से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे ही फेंक कर वह फरार हो गया। पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, कार और घटना से संबंधित दूसरे सामान बरामद कर लिए हैं। ये मामला है इसका मोटा मोटा ये है।